तो हे गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा कि अमेरिका के $1 इंडिया में कितना होता है। गाइस, इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। हाँ गाइस, अगर आपके पास अमेरिका $1 है तो उसका इंडिया में कितना वैल्यू है, यानी उसको कितना माना जाता है, यानी कितना उसको इंडिया करेंसी में आपको मिलता है। गाइस, अगर आप डॉलर में कमाते हैं या अगर आप डॉलर में पेमेंट लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या अन्य ऐप से कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम चेक करते रहते हैं कि $1 का कितना होता है, या कन्फ्यूज रहते हैं। क्योंकि गाइस, पहली पहली बार अगर डॉलर मिलता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि कितना होता है। क्योंकि कई लोगों को पता होता है, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोग के लिए ये वीडियो है। गाइस, हाँ गाइस, तो गाइस इस वीडियो में बताऊंगा कि $1 का कितना होता है, यानी US डॉलर इंडिया रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो गाइस, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ उसे टच कर दीजिएगा। बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल यानी एक घंटी के निशान से टच कर कॉल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए 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 गाइज, मैं आपको बताते चलूँ कि $1 का कितना होता है इंडिया करेंसी में, यानी इंडिया रुपीज़ में, अगर आप अमेरिका में कमाते हैं या यूट्यूब से। तो गाइज, यहाँ पर $1 का होता है ₹70 और ₹75। अब गाइज, यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो गए कि ₹70 75 क्या बोल रहा है, मतलब कि $1 का ₹70 होता है बट ₹75 भी होता है। अब ₹75 कैसे होता है और ₹70 कैसे होता है, $1 का यानी इंडिया में वैल्यू कैसे माना जाता है। अगर गाइस, अगर आप अमेरिका से $1 लेते हैं या आप यूट्यूब से $1 कमाते हैं या फेसबुक से, तो आप इंडिया करेंसी में उसको अन करेंसी में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको ₹70 या ₹75 उसको वैल्यू माना जाएगा। चलिए, ₹70 तो होगा ही होगा, ₹75 कैसे माना जाएगा। तो गाइस, डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तब कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली चेक करने के लिए एग्जैक्ट कितना हुआ है आज, यानी $1 का आज एग्जैक्ट कितना हुआ इंडिया में वैल्यू, उसका आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा गूगल में, तो यहाँ पर अपना ओपन कर लीजिए गूगल। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप करना है $1 in India rupees in 2021, 2022, 2023, जो भी ईयर चल रहा है आपको यहाँ पर डालना है, या डाल सकते हैं इंडिया करेंसी, यहाँ पर US डॉलर कन्वर्ट इंडिया रुपीज, या डाल सकते हैं वैल्यू $1 इंडिया करेंसी। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर $1 मैंने डाला है, तो यहाँ पर ₹74 वैल्यू इसका है। तो ये घटता रहता है, मतलब ₹74 75 होता है, मतलब कि 70 से नीचे नहीं जाएगा और 75 से ऊपर नहीं जाएगा, ये दोनों को बीच में रहेगा, 71 72 73 74 75, ये ₹5 का इधर उधर रहता है। तो 75 से नीचे नहीं और ऊपर नहीं और 70 से नीचे नहीं आपको मिलेगा। तो इसी तरह होता है, इतना ही होता है वैल्यू, और गूगल पे भी चेक कर सकते हैं पर डे। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।